हेलो बच्चों, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। बच्चों इसमें बच्चों सेकंड चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? सबसे पहली बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये भी तुम लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होते हैं। मीन्स क्या है, वन मेनी वन ऑनटो होते हैं। तो हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उसे इन्वर्टेबल बनाते हैं। इन्वर्टेबल बनाने का मतलब वन वन ऑनटो बनाते हैं, फिर उसका इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये x इज इक्वल्स टू साइन, अगर हमने लिखा x इज इक्वल्स टू साइन y, ठीक है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? अगर इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो y किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? साइन इन्वर्स x के। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन लिखा हुआ है जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे साइन इन्वर्स x, इसका डोमेन क्या होता है? माइनस वन टू वन, और ये रेंज होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब साइन इन्वर्स x का बच्चों ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ होता है। ठीक है, बट जो प्रिंसिपल ग्राफ होता है साइन इन्वर्स x का वो बता देता हूँ। वो क्या होता है? बस ये होता है, ये जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ ना, यही होता है बच्चों प्रिंसिपल ग्राफ। ठीक है, और अगर मान लो कि कभी भी बोले कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, तो हम सिर्फ इतने ही पोर्शन को ड्रॉ करेंगे जो रेड से किया है ना मैंने, बस इतने ही पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये साइन इन्वर्स एक्स हमारा है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। उसके बाद सेकेंड में आ जाओ बच्चों, कॉस इन्वर्स एक्स, इसका भी डोमेन जो साइन इन्वर्स का डोमेन होता है माइनस वन टू वन, इसका भी इसका रेंज क्या होता है? जीरो टू पाई, और ये इसका ग्राफ है। ये तो कंप्लीट ग्राफ है ना कॉस इन्वर्स एक्स का। अगर प्रिंसिपल ग्राफ की बात की जाए तो जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, देखो यही है बच्चों प्रिंसिपल ग्राफ, हमें सिर्फ इतने ही ग्राफ से मतलब है जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। उसके बाद आ जाओ बच्चों, थर्ड हमारा जो फंक्शन है वो है कॉसेक इनवर्स एक्स। बच्चों इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, ये होता है। और रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। इसका बच्चों ग्राफ देख लो, प्रिंसिपल ग्राफ क्या होता है, ये जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ यहाँ तक, ये होता है प्रिंसिपल ग्राफ। ठीक है, थर्ड जो हमारा फंक्शन है बच्चों वो है सेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, जो कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, ये सेम डोमेन है सेक इनवर्स एक्स का भी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन। रेंज क्या होता है? जीरो टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, पाई बाई टू को छोड़ के। अब इसका ग्राफ देख लो, इसका बच्चों जो ग्राफ होता है वो जो प्रिंसिपल ग्राफ होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, यही होता है प्रिंसिपल ग्राफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं थर्ड फंक्शन में टैन इनवर्स एक्स में। टैन इनवर्स एक्स का बच्चों डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसका जो बच्चों प्रिंसिपल ग्राफ होता है टैन इनवर्स एक्स का, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये ग्राफ होता है बच्चों, ये देखो जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचा हमारा कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में क्या है बच्चों? डोमेन ऑल रियल नंबर। देखो कॉट इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है। इसका रेंज क्या हो गया? जीरो टू पाई, और ये बच्चों कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये क्या हमारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसका जो प्रिंसिपल ग्राफ होता है वो ये प्रिंसिपल ग्राफ, ये। ठीक है, अब बच्चों ये प्रॉपर्टीज है, ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, याद होगा, बट एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये भी एक्स के इक्वल होता है, एक्चुअल में टी इनवर्स टी एक्स एक्स के इक्वल होता है, याद रखना। चाहे साइन लो, साइन इनवर्स कॉस, टैन इनवर्स कॉस एक्स से कॉट कोई भी लो, ये एक्स के इक्वल होता है। उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स एक्स को तुम क्या लिख सकते हो? कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, और एक्स का ये रेंज होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या बच्चों? कॉसेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हो साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, और ये एक्स का रेंज होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये एक्स का रेंज होना चाहिए। सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये एक्स का रेंज होना चाहिए। टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स के इक्वल होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो।
और cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0। बच्चों ये दोनों फॉर्मूला की सिमिलरिटी देख लो, यहाँ पे tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स आ गया, यहाँ पे cot इनवर्स की जगह tan इनवर्स आ गया, बट ये यहाँ पे tan में माइनस पाई है, यहाँ पे प्लस पाई है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 दोनों में है, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 दोनों में है। फिर ये भी बहुत बेसिक फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल होता है, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल होता है, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल होता है। इसके बाद देख लो साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है, कॉस इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के, टैन इनवर्स माइनस x माइनस टैन इनवर्स के, कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स के, sec इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, cosec इनवर्स माइनस x माइनस cosec इनवर्स x, ये ऑलरेडी बच्चों पता होगा तुम लोग को, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला देख लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला होता है, और 2 tan इनवर्स x का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कई जगह हम लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर सेम क्या है हमारे पास एक्सरसाइज है, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर की दे रखा है, आप लोगों को बच्चों करना क्या है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको CUET में, इन सभी क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करना है, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट डे आपको सभी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आई होप कि समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।